हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग यहाँ पे 10th सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं हर दिन यहाँ पे बायोलॉजी के 10-10 क्वेश्चन करवाऊंगी। हर यूनिट से हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे। वो 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एग्जाम में आने की। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एग्जाम बहुत पास आ गया तो आप अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हर्बेरियम शीट है वो किसके कारण इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो आप यहाँ पे नॉट को अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपसे यहाँ पे एग्जाम में मिस्टेक ना हो। ऑप्शन ए दिया है डेट ऑफ कलेक्शन, ऑप्शन बी दिया है नेम ऑफ कलेक्टर, ऑप्शन सी दिया है लोकल नेम एंड ऑप्शन डी दिया हाइट ऑफ प्लांट। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट है, हाइट ऑफ द प्लांट, क्योंकि हर्बेरियम शीट जो है डेट ऑफ कलेक्शन में भी इन्फॉर्मेशन देता है, नेम ऑफ कलेक्टर का भी इन्फॉर्मेशन देता है और लोकल नेम का भी इन्फॉर्मेशन देता है। बस हमारे यहाँ पर रह गया हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अपन सीआरटी से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, जीनस रिप्रेजेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जीनस किसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो उससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन जरूर से करने चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है एन इंडिविजुअल प्लांट या एनिमल, ऑप्शन बी दिया है कलेक्शन ऑफ प्लांट्स या एनिमल, ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट या एनिमल्स एंड ऑप्शन डी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर क्लासिफिकेशन। गाइज, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी राइट है। जो जीनस होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट या एनिमल्स को। तो ऑप्शन आपका ये सी राइट हो गया। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट यहाँ पे लाइन दिया, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सेल डिवीजन का रिजल्ट नहीं होता है, तो आप दिए गए ऑप्शन में से चूज करिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है ग्रोथ, ऑप्शन बी दिया है रिपेयर, ऑप्शन सी दिया है मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी राइट है, मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है ये सेल डिवीजन का रिजल्ट नहीं होता है, बाकी सेल डिवीजन का रिजल्ट होता है ग्रोथ भी होता है, रिपेयर भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। यहाँ पर भी आप नॉट पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बर्डन होने की वजह से हम अगर नॉट को नहीं देख पाते तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अगर नॉट को आप अंडरलाइन कर लेंगे तो यहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोनिफर्स आर डिफर फ्रॉम एडोप्टेड टू इन्वर्टल कंडीशन बिकॉज ऑफ। तो कोनिफर्स यहाँ पे डिफर करता है इन्वर्टल कंडीशन में क्योंकि। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए बॉडी हार्वी लेबिया, ऑप्शन बी सुपरफिशियल स्टोमेटा, ऑप्शन सी थिक क्यूटिकल एंड ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ वेसल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका ऑप्शन सी राइट है, थिक क्यूटिकल। जो कोनिफर्स होते हैं ये डिफर करते हैं फ्रॉम एडोप्टेड टू इन्वर्टल कंडीशन बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल। वहाँ पे जो कोनिफर्स होता है, कोनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स पाए जाते हैं जिसमें थिक क्यूटिकल होते हैं और सनकिन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये दोनों वाटर लॉस होने से बचाते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हेटरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग ए सेल वॉल और इंक्लूडेड इन। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइलम का नाम बताना है जिसमें हेटरोट्रॉफिक होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यूकैरियोटिक भी होंगे पर उसमें सेल वॉल ऑब्सेंट होगी, तो हमें उस फाइलम का कैरेक्टर बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी दिया है फंजाई, ऑप्शन सी दिया है प्लांटी एंड ऑप्शन डी दिया है एनिमेलिया। तो गाइस, वो है हमारा एनिमेलिया, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, एनिमेलिया। एनिमेलिया में है हेटरोट्रॉफिक भी होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं पर उनमें सेल वॉल ऑब्सेंट होता है। तो ये सब किसका कैरेक्टर है? एनिमेलिया का। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही स्टेटमेंट करके ऑप्शन करके क्वेश्चन पूछता है और इसमें आपके चारों कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर से करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय वायरस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे है डायनोफ्लैजेट, यूक्लिनाइड एंड स्लाइम मोल्ड आर प्लेस अंडर किंगडम मोनेरा। ऑप्शन सी है मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। ऑप्शन ए देखिए, तो यहाँ पे जो क्लोरेला है, टाइफाइड और टेटनस ये हमारे बैक्टीरियल डिजीज है ना कि वायरस से। उसके बाद से डायनोफ्लैजेट, यूक्लिनाइड और स्लाइम मोल्ड ये हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है ना कि मोनेरा के। तो ऑप्शन आपका सिर्फ यहाँ पे सी राइट है, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। यहाँ पे मैंने ए और बी को एक्सप्लेन कर दिया, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, बॉडी हैविंग मिश्रक ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटी लाइन विद फूड फिल्टरिंग सेल, फ्लैजेलेटेड सेल एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूछा है फाइलम का नाम, जिसमें बॉडी मिश्रक ऑफ सेल्स की बनी होती है, कैविटी इंटरलाइन होती है फूड फिल्टरिंग सेल से, उसमें फ्लैजेलेटेड सेल पाई जाती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। तो ये फाइलम का कैरेक्टर है, यह पोरीफेरा, यानी कि ऑप्शन आपका बी, पोरीफेरा का कैरेक्टर होता है बॉडी, उसकी मिश्रक लाइक सेल होती है, इंटरनल कैविटी लाइन होती है फूड फिल्टरिंग सेल से, फ्लैजेलेट भी होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा, आप चाहें तो एनसीईआरटी से पढ़ के फाइलम कैरेक्टर देख लीजिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट है, पोरीफेरा। ये थे हमारे क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने आज 7 ही करवाए, मैं आपको कल से 10-10 क्वेश्चन रेगुलरली करवा दूंगी हर यूनिट के। और आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस सारे क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन थोड़ा आपका मीडियम टू लो ही पूछते, बहुत हाई नहीं पूछते। थैंक यू सो मच गाइस, कोई डाउट कमेंट सेक्शन।